बस मैं ताड़े अगे यही अरदास करती हाँ भी बच्चा ताड़े बच्चों वर्गा आ यदि मदद की जाए ताकि मेरा बच्चा पैरों से खड़ा हो जाए तो अपने तुर फिर सके साड़ी मदद करो ज़्यादा तो ज़्यादा। मेरे बच्चा एक रेयर डिसीज नाल जूझ रहा है, इन्हों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी है। ये हजारा कुछ एक बच्चे होंगी है जो कि इस टाइम मेरे बच्चे आ जे इस बीमारी का यह हों कि टाइम सिर नहीं इलाज होंगे दिन ब दिन बच्चे के गांह टाइम के हाथ पैर बीम बीम हो जाने। हूँ यदा निचला हिस्सा खत्म हो गया, निचला हिस्सा चल नहीं रहा है। अगर यदा टाइम सिर इलाज नहीं होया तो कल हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी भी बींगी हो जानी आ। तो इदा दिन ब दिन मेरा बच्चा तकलीफ के अगे मौत वाल जा रहा है। तो मेरी सारे अगर यही अरदास है कि हो सके तो मेरे बच्चे की मदद करो ताकि एक नवी जिंदगी बन सके तो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। बस मैं ताड़े अगे यही अरदास करती हाँ भी बच्चा ताड़े बच्चों वर्गा आ यदि मदद की जाए ताकि मेरा बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए तो अपने तुर फिर सके साड़ी मदद करो ज़्यादा तो ज़्यादा। जे कोई मदद करनी चाहे तो मदद किदा कर सकता, कोई किदा मतलब कि जो कोई खर्चा पाना चाहे ज कोई बच्चे का कुछ भी कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 वो किदा पा सकता, तुम दस सकते थोड़ा जि अकाउंट के किदा किदा पा सकते। एक साड़ी असी फंडिंग साइट शुरू की इंपैक्ट गुरु की उदे विच ही सारे अपना अगर डोनेशन देना जेडे देंदे आ उदे विच ही पांदे आ जो कि इहदे इलाज लई इकट्ठे हो रहे आ तो ओ उत्थे फिर इहदे इलाज दौरान वरते जाणगे। ओ तुहाडे अकाउंट दा विच आ जां कि ओ उत्थे हॉस्पिटल दा अकाउंट आ जां फंडिंग दा अकाउंट आ जां कि ओ सरकारी आ जां किदां जां कुछ प्राइवेट आ जां किदां? प्राइवेट। ठीक है। जो बोले सो निरभय सतगुर रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्यारे साथ संगत जीओ, आप सब संतां दे चरणां दे विच अज इक बेनती लैके हाजिर होए आ, अरदास लैके हाजिर होए आ कि अज इक बच्चे वास्ते आप जी तो मदद मंगण वास्ते आए हैं अज दी वीडियो राही। सो बेनती करदे सब तों पहलां कि इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर भी कर दिओ ता जो जे आपां नहीं मदद कर सकदे कोई साडा होर वीर भैन भरा बच्चे की मदद कर सकता हो, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का हुक्म है दीन दुखी की सेव में ला गुरु रविदास निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। क्योंकि जे सानू दीन दुखियों की सेवा दे विच सतगुरु जी कहते हमेशा लगे रहना चाहिए। और एक पिता की माता की तमन्ना भी होंगी है कि उन्होंने बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, पर उस बुजुर्ग के अगे किसी का भी जोर नहीं चलता। इस बच्चे छोटे जे बच्चे एक ऐसी बीमारी कह लो कि लग गई बचपन के कि बच्चा अपने पैरों से चल नहीं सकता, कि धुनी तो थले का हिस्सा पूरा वर्क नहीं कम करता कि अपने पैरों से बच्चा चल फिर नहीं सकता। वो पूरी बीमारी की है कि इसका इलाज है जब आप किस तरह इस बच्चे की मदद करनी है। असी कैश नहीं मंगते, कोई बंदा कैश ना करे कि इस परिवार को देना जब सानू कैश दिता जाए
सीधा अकाउंट जो वीडियो के माध्यम राही शेयर कर दिता जाएगा या वीडियो के उसका फंडिंग सैट का सारा दस दिता जाएगा उस आपने फंडिंग करनी जो इस बच्चे डायरैक्ट डॉक्टर के माध्यम राही वो दवाई का जो इंतजाम है वो हो सके। सो आओ आप सरकार के हुक्म के अनुसार जो सेवा करनी है तो संत रल मिल के आप जेकर चाहिए तो इस बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। तो अज तक जो कुछ मंगया नहीं पर अज पहली बार असी संत चरणा के अरदास बेनती करते हैं कि आओ गुरु मेरे साथ सुनियो इस बच्चे को चलन फिर जोगा कर दीए क्योंकि हर बंदा माता की एक तमन्ना होंगी कि बच्चा पैर से तुरे तो आप आस करते हैं आने वाले दिनों में इस बच्चे का भी इलाज हो बच्चा भी अपने पैर से चल सके। सो मैं बेनती कराँगा जो बच्चा बीमार है न्या छंगा उसकी बीमारी की है उसका नाम की है और उसका इलाज क्यों हो सकता या कितों हो सकता या इन्हों ने किसी ने पहला मदद की सरकार ने मदद की है तो इसके बारे जरूर दसा जाए। सो आओ श्री संतोषा जी गुरुदेव धन गुरुदेव जी मैं संतोष साधा मुखला जी का मेरा विश बंदा रीढ़ की हड्डी की बीमारी तो है जिसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 है जिसका इलाज का है इलाज काफ़ी महंगा है जिसकी उद्वार का नाम है रिश्ती नाम जो साढ़े इंडियन सरकार राही जिस रूप की हुई है सानू जो ये दवा लिखी गई है PGI चंडीगढ़ द्वारा जिसकी कीमत 35 लाख रुपए एक साल की है बहुत सारे बच्चों का इलाज होया जिमें गुणी दिल्ली के बच्चे का इलाज होया समूह संगत ने क्लिनिकल लीडर ने जो पंजाब के भी बहुत लोगों ने साथ दिता उस बच्चे का इलाज होया जी थोड़ा कीमत साड़ी 35 लाख रुपए की दवाई है एक साल की हो सके साढ़े बच्चे जीवन दान दो साडा साथ दो असी ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं एक इंपैक्ट गुरु फंडिंग सैट विच इकट्ठा कर रहे हैं जिसे दूजिया स्टेटा दूसरे बच्चों ने इकट्ठा करके करोड़ों रुपया इकट्ठा करके इलाज कर रहा है असी भी वो राही कर रहे हैं कोई हथी किसी भी तरह पैसा नहीं मंग रहे तो हो सके तो साथ साडा बच्चा इस भयानक बीमारी को बच के जीवन जी सकता है। जय गुरुदेव। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारे संतों का क्योंकि ये जो बीमारी इन्होंने दसी बच्चे कि बच्चा चल फिर नहीं सकता सो संत अगर चाहन तो सब कुछ हो सकता है। सो बेनती करते हैं जो इन्होंने फंडिंग दसिया जिन करनी है वो पूरा वीडियो से लिख दिता जाएगा तो उस फंडिंग करनी है कोई भी 5000, 10000, 20000 इस तरह सतगुर ने जिसन निवाजिया है तो दौलत के नाम उस तरह मदद कर सकता है। तो सारिया संस्था का धन्यवाद करते हैं। जय गुरु जी। धन्यवाद।